octagonal numbers between 0.12 and 0.13. हाँ, irrational number find करना है तो कैसे करेंगे? सर इसमें से आगे बढ़ाते जाएंगे numbers. नहीं, wait करिए, रुकिए, ध्यान से इधर देखिए जरा. ये 0.12 है और 0.13 है. ये given है आपको ना? Yes. ये कैसे numbers हैं? Rational. Yes, ये rational है. क्यों? क्योंकि 0.12 को ऐसा point हटाओगे तो 100 आ जाएगा. टर्मिनेटिंग हो जाएगा. ओके, तो ये रैशनल है, ये भी रैशनल है, बट दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए? इरैशनल नंबर्स चाहिए. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको हम बनाते हैं. ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देखते हैं, ये ए और ये बी है. बताइए इसमें से कौन ग्रेटर है, कौन लेस है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि ए इज लेस देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए. ओके, तो ये सबसे पहले हमने देखा. उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डेसिमल के जस्ट आफ्टर यहाँ पर वन है, वहां पर भी वन है और यहाँ पर भी वन है, तो बी कैसे ग्रेटर हुआ? क्योंकि नेक्स्ट वाली जो डिजिट है बी की वो ग्रेटर है ए के कंपैरिजन में. ए में भी पॉइंट के बाद वन है, बी में भी पॉइंट के बाद वन है, बट बी में पॉइंट वन के बाद थ्री है, यहाँ पर टू. ओके, तो हमने एक नंबर सेलेक्ट किया सी. इन दोनों के बीच में हमने एक नंबर सेलेक्ट किया सी. उसको भी पहले तो मैंने ऐसे ही लिखा, 0.1 ही लिखा, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है. ओके, फिर मैंने सोचा कि मुझे ए से बड़ा लेना होगा और बी से छोटा. तो देखिए जरा, 0.1 लिखने के बाद मैंने 2 भी लिख दिया, कोई दिक्कत अभी नहीं, अभी ये इसके जस्ट इक्वल है. लेकिन सी का वैल्यू ए से क्या होना चाहिए? बड़ा. और क्या होना चाहिए? इरेशनल. ठीक है, तो हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा 0.1. ठीक है, ओके, सॉरी 0.1 कर दिया. तो हम क्या करेंगे? 0.0001, 0.0001, 0.0001 एंड सो ऑन. इसमें कोई दिक्कत है? हाँ, अब देखो जरा हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा. ए वॉज लेस देन बी, हमको पहले पता था. ये मेरे को ऐसा मिला है कि ये जो है वो किससे बड़ा है? 0.12 से. और छोटा किससे? ये 0.13 से. अब मैं क्या सोचूंगा, मुझे एक और नंबर ऐसा मिल जाए जो किससे बड़ा हो? सी से. और किससे छोटा हो? डी से. ठीक है, सॉरी बी से. ठीक है, तो इस तरीके का नंबर मैं कैसे फाइंड करूंगा? देखो किस तरीके से मैं लिखता हूँ. बी मैंने बनाया. ओके, ठीक है. अब मेरे को अगर देखो, शुरुआत में मैंने क्या किया था, मुझे अगर ए से ग्रेटर चाहिए था तो मैंने ए को चुपचाप देखा, उसका 0.12 उतार दिया और फिर आगे कुछ नंबर्स मैंने जोड़ दिए ताकि सी ए से बड़ा हो जाए. अब मुझे किससे बड़ा देखना है? सी से बड़ा देखना है, ताकि वो किसके किसके बीच में आ रहा हो? सी और बी. ये बी है ना? ठीक है ना, और ये क्या है? ए था. तो ना, सी से अगर बड़ा देखना चाहते हो तो सी को फोकस करो, सी को देखो. सी के पास क्या है? 0.12. ओके, उसके बाद सी के बाद यहाँ पर क्या है? 0. मुझे इससे बड़ा चाहिए तो मैं 0 की जगह क्या लिख दूं? 1. समझ में आया? तो 0.12101 001 0001 0001 एंड सो ऑन. आ गया, कोई दिक्कत है क्या ना? अब मैं क्या लिख सकता हूं? ए इज लेस देन सी इज लेस देन डी इज लेस देन बी, कोई दिक्कत है क्या? और आपको ए की वैल्यू भी दिख रही है, बी की भी दिख रही है, सी की भी दिख रही है और डी की भी. तो इस तरीके से मैं ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करती हूं. ओके,